हेलो फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन जो हम लोग विजन का टेस्ट डिस्कस कर रहे थे, टेस्ट सीरीज वन। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है, आई होप कि आपने बाकी दो सही किया होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है कि प्रीएम्बल के बारे में। तो ये जो पहला टेस्ट सीरीज है, जैसा मैंने कहा था कि ये पॉलिटी रिलेटेड है, ठीक है। तो पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स डालने पड़ेंगे, जहाँ भी होगा जजमेंट डालना पड़ेगा। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, यू हैव टू डू इट। और इसी के साथ हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रीएम्बल जो है वो जनरल पर्पस, क्वेश्चन है कि प्रीएम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज अ की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन ऑल्सो कॉमेंट ऑन द अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। तो यहाँ पे कमेंट करने का है कि प्रीएम्बल के बारे में। तो यहाँ पे जो की वर्ड होगा वो होगा कमेंट, ठीक है। तो इसका अप्रोच होगा कि आपको पहले मेंशन करना होगा सिग्निफिकेंस क्या है प्रीएम्बल में, प्रीएम्बल में क्या क्या कहा गया है, ठीक है। दूसरा डिस्कस करना पड़ेगा कि प्रीएम्बल गिव्स जनरल पर्पसेस बिहाइंड न्यूमरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। तीसरा डिस्कस्ड अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है। इस तरह से इस आंसर को हम लोग अप्रोच करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि प्रीएम्बल जो है कैसे एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बताता है क्या सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कब वो अडॉप्ट हुआ था। इट एम्बॉडीज द बेसिक फिलॉसफी और साथ में फंडामेंटल वैल्यू जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो एक ग्रैंड और नोबल विजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दिखाता है, ठीक है। तो प्रीएम्बल जो है वो की है किसका, टू माइंड्स ऑफ द मेकर। और ये रिवेल करता है क्या, तो कैसे एक इंडिया एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। और यही मेन आइडिया था हमारे फाउंडिंग फादर का। द एम वॉज टू रियलाइज द गोल ऑफ जस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्वलिटी और साथ में फ्रीडम। तो जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं प्रीएम्बल का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है जनरल पर्पस बिहाइंड वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें होगा जस्टिस। मतलब कि ये क्या क्या दिखाता है, पहला तो जस्टिस, ठीक है, मतलब कि जस्टिस जिसमें आएगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। दूसरा लिबर्टी, तो किसका, तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का, जो कि आर्टिकल 19 में भी दिखाया जाता है। तो आर्टिकल 19 अगेन आपको यूज़ कर सकते हो इस आंसर में, आर्टिकल 25 टू 28 यूज़ कर सकते हो, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ये सब हमारे प्रीएम्बल का पार्ट है, वर्ड्स यूज़ किया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फिर देखो ये आर्टिकल 14 और 18 जो है वो प्रोवाइड करता है, provides for absence of special privileges to any section of society and adequate opportunities for all without discrimination, ठीक है। उसी तरह आर्टिकल 39 जो है वो सिक्योर करता है इक्वल राइट्स टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और साथ में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये इक्वलिटी का दिखाता है ना, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। उसमें आया था 14, आर्टिकल 14, 18, आर्टिकल 39, आर्टिकल 325 एंड 326, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करता है, ठीक है। जो एक और वर्ड यूज़ किया है फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी ऑफ फ्रेटर्निटी, जिसमें होगा डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको याद रहता है, तो ये तो बेसिकली किसी को याद, सबको याद रहना ही चाहिए। साथ में आप आर्टिकल्स मेंशन कीजिए, वो आपका वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है। तो फिर लिखा हुआ है कि सिंस प्रीएम्बल इज द की टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देयर हैव बिन क्वेश्चन ओवर इट्स अमेंडेबिलिटी। यही क्वेश्चन जो है, देखो जजमेंट, जजमेंट आ गया ना, जजमेंट से सही रहता है आंसर, अच्छा लगता है आंसर। वॉज डेल्ट विथ केशवानंद भारती केस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है केशवानंद भारती केस का, जिसमें हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हेल्ड एट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो केशवानंद भारती का जो केस है बेसिक स्ट्रक्चर का, ये आप कहीं भी बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं आंसर्स में, कि केशवानंद भारती केस में मतलब इक्वलिटी का हो, कहीं पे फ्रेटर्निटी का हो, कि कहीं पे यू नो अमेंडेबिलिटी का हो, तो अलग अलग इस पर अलग अलग जजमेंट है, तो आप यूज़ कर सकते हो उसको।
इट फाउंडेड इट्स अर्लियर ओपन्ड, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो था बेरीवारी यूनियन केस 1960 का, उसमें कहा था कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको चेंज कर दिया गया केशवानंद भारती केस में, जब उसने कहा कि ये पार्ट है, ठीक है। द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस टिल नाउ। तो ये आपको जैसे पता होगा कि हम लोग का प्रियम्बल हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर, जो कि तीन वर्ड उसने ऐड किया था सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी प्रियम्बल के अंदर, ठीक है। तो चलिए, एक और क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, तो आई होप ये वाला भी आपका सही हो गया होगा एंड कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा आंसर्स में। कुछ भी प्रॉब्लम होने से आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, मैं PhD कर रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशन में, इंडिया चाइना पे मेरा काम है एंड सो बेसिकली अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो आंसर राइटिंग रिलेटेड आप पूछ सकते हैं एंड इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मैं जहाँ तक हो सके आपका हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच।